पार्ट 9 स्टार्ट होता है और इसके बाद कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ कोजी बिजनेस वर्क के लिए कोरिया गया हुआ था और यहाँ नीम उसे काफी मिस कर रही थी। एक कलीग उससे पूछती है कि बॉस कोरिया से कब वापस आएंगे, जहाँ वो बताती है कि बॉस नेक्स्ट मंडे को आएंगे। फिर उस कलीग को कुछ काम रहता है जो नीम कर देती है। इसके बाद वो कोजी को मैसेज करती है पर समझ नहीं पाती है कि क्या मैसेज किया जाए। तभी उसकी एचआर मैनेजर आके कहती है कि हमारे क्लाइंट मिस्टर मार्क तुमसे मिलना चाहते हैं। नीम कहती है पर मेरा तो उसके साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तभी एक और स्टाफ आता है और नीम से कहता है बॉस ने मुझे कॉल करके कहा कि मिस्टर मार्क तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है। इसके बाद दोनों मार्क के पास जाते हैं जहाँ मार्क नीम से कहता है तुम्हारे बॉस की वजह से मैं काफी हार्ड टाइम से गुजर रहा हूँ। उस दिन के हरकत की वजह से उसने मेरे कंपनी पर इसका रिपोर्ट कर दिया है जिसके वजह से मुझे काफी कुछ सुनना पड़ रहा है और मुझे भी अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुम जितना चाहो मुझे डांट सकती हो, मैं यहाँ माफी मांगने के लिए ही आया हूँ। नीम कहती है कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हें अपना गलती रियलाइज तो हुआ। आई होप अब से तुम अपने काम पर फोकस करोगे। फिर मार्क कहता है लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम कोजी पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करती हो, पर क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो? खैर अगर वो कभी तुम्हें छोड़ दे तो मैं तो हूँ ही, तो मेरे पास आ जाना। तब उसका कलीग नीम से कहता है आई थिंक तुम्हें अपने काम पर वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट डे नीम परेशान रहती है कि वो कोजी को इतना सारा मैसेज करिए बट उधर से एक भी रिप्लाई नहीं आया है। इसके बाद हम उसे लंच टाइम में देखते हैं जहाँ वो सोचती है दो दिन से एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, लगता है अब कंप्लेन मैसेज करना होगा। और फिर तभी उसके फ्रेंड लोग के साथ उसका चैट होने लगता है जहाँ वो बताती है कि कोजी बिजनेस वर्क के लिए कोरिया गया हुआ है, पर ना तो वो मुझे मैसेज का रिप्लाई दे रहा है और ना ही कॉल बैक कर रहा है। एक फ्रेंड कहती है कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जाके वो कोरियन लड़की फंसा रहा है। फिर वे लोग नीम को एक से एक बेकार आइडिया देते हैं कि उसे मैसेज करो आई मिस यू, आई वांट टू किस यू। एक कहता है सॉफ्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, तुम उसे सीडियोस करो, अपना बॉडी शो करते हुए एक सेल्फी सेंड करो विद कैप्शन आर यू हंग्री ईट मी। नीम कहती है तुम लोगों का बेकार आइडिया तुम ही लोग अपने पास रखो। फिर सोचती है ये सेल्फी वाला आइडिया सही है, फिर थोड़ा बॉडी शो ऑफ करते हुए सेल्फी खिंचाने लगती है। तभी एक कलीग टोकता है ये क्या कर रही हो, वो बहाना बनाती है कि कपड़े के अंदर कुछ चला गया है तो वही साफ कर रही हूँ। अगले सीन काफी रात हो गया था और वो अब तक से काम ही कर रही थी। एचआर मैनेजर उसे जल्दी काम खत्म करके घर जाने कहती है। इसके बाद नीम कुछ फाइल्स लेकर कोजी के ऑफिस जाती है और कहती है तुम कब आओगे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तभी पीछे से कोजी आकर कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा है। नीम उसके क्लोज होते हुए उसे सेड्यूस करती है, फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। पर हम देखते हैं ये तो बस उसका एक सपना था। यहाँ एक कलीग उसे जगाकर घर जाने कहता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में होती है तब अपने कोवर्कर को कोजी के बारे बातें करते हुए पाती है। यहाँ वे लोग कहती हैं कि बॉस का इंस्टाग्राम आईडी भी है जहाँ उन्होंने सिर्फ मिस रैना के साथ एक फोटो पोस्ट करा है। मुझे तो लगता है वो उनकी गर्लफ्रेंड है। एक कहती है उन दोनों का जोड़ी कितना परफेक्ट है, पर यह सब सुनकर नीम को अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन वो काम करके ऑफिस से घर जाती है जहाँ उसकी मम्मी कहती है क्या बात है इतनी डल क्यों लग रही हो, जहाँ उसका भाई कहता है जापानीज कंपनी में काम ही इतना ज्यादा कराया जाता है। वो उसे चुप रहने कहती है और अपने रूम चली जाती है। तभी उसे एक नंबर से कॉल आता है, जब ये हेलो कहती है तो उधर से कोजी कहता है इतना फीका वॉइस में क्यों बोल रही हो, ये मैं हूँ कोजी। अब उसका वॉइस सुनकर नीम एकदम से एनर्जेटिक हो उठती है। कोजी बताता है कि जब वो कोरिया पहुंचा तो उसका फोन खो गया था, प्लस काम में भी बिजी था इसलिए तुमसे बातें नहीं हो पा रहा था। फिर कहता है मैं अभी अभी थाईलैंड पहुंचा तो अपने फ्रेंड का मोबाइल लेकर पहले अपने गर्लफ्रेंड को ही कॉल किया हूँ। ये सुनकर नीम तो ब्लश किए जा रही थी। कोजी फिर कहता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया ना, पर मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। नीम तो बस ये सुनकर काफी खुश हुए जा रही थी। फिर कोजी कहता है क्या कल तुम फ्री हो, फ्री हो तो कल डेट पर चले। यह नीम तुरंत हाँ कहती है और काफी दिनों बाद हम उसे इतना खुश देखते हैं। नेक्स्ट डे वो कंफ्यूज थी कि अपने फर्स्ट डेट के लिए क्या ड्रेस पहने। फाइनली काफी सारा ड्रेस ट्राई करने के बाद उसे एक पसंद आता है और वो वही पहनकर निकल पड़ती है, जहाँ वो कोजी को कैजुअल ड्रेस में देखकर देखते रह जाती है। कोजी उसका हाथ पकड़ना चाहता था पर नीम रुक जाती है। तब कोजी कहता है डोंट वरी हमें कोई नहीं देखेगा, ऐसे भी ये प्लेस ऑफिस से काफी दूर है। फिर कहता है तो मुझे अभी बॉस क्यों बुला रही हो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होके मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ना बुलाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। फिर उसे पकड़ कर एक मोबाइल शॉप पर ले जाता है और पूछता है कौन सा लूं। वो कहती है जो पसंद आ रहा है ले लो। कोजी उसके तरफ देखते हुए कहता है मुझे तो तुम पसंद हो। नीम कहती है मैं तो मोबाइल का बात कर रही हूं। तब वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक खरीद रहा हूं, जहां वो कहती है पर मेरा वाला तो सही से चल रहा है प्लस मुझे पैसा नहीं खर्च करना है। कोजी कहता है मैंने कब कहा मुझे पैसा चाहिए, और उसके तरफ देखते हुए कहता है मुझे तो तुमसे कुछ और चाहिए। नीम शर्माते हुए उसे चुप रहने कहती है। फिर वो एक मोबाइल खरीदता है और नीम कहती है ये किस टाइप का डेट है कि तुम मुझे मोबाइल खरीद देने लाए हो। कोजी कहता है हमारा फर्स्ट डेट तो अब स्टार्ट होगा। और फिर हम दोनों को मूवी देखते हुए देखते हैं
जहाँ दोनों काफ़ी खुश थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रिलैक्स फील कर रहे थे। इसके बाद वे थिएटर से निकलते हैं जहाँ नीम कहती है चलो कुछ खा भी लेते हैं। तो गोजी कहता है पर मुझे तो तुम्हारे हाथ का बनाया खाना ही खाना है। नीम कहती है तो मुझे अपने प्लेस में ले जाने का ये जाल बिछा रहे हो। गोजी कहता है क्यों, क्या तुम इस जाल में फंसना नहीं चाहती हो। ये सुनकर नीम शाय करती है और फिर दोनों घर के लिए निकलते हैं। गोजी उससे कहता है आज वेदर अच्छा है तो चलो बाइक से चलते हैं। नीम एग्री करती है जिसके बाद तो वो उसे हेलमेट पहनाता है, फिर उसे कसकर पकड़ के बैठने कहता है और फिर दोनों आराम से घर पहुंचते हैं जहाँ नीम उसके लिए सूप बनाने लगती है। लेकिन गोजी शांति से तो बैठने वाला नहीं था इसलिए उसका फ्लटिंग शुरू हो जाता है और नीम भी उसे झेलते हुए सूप रेडी करती है जहाँ गोजी उसे खिला देने कहता है। अब नीम भी सोचती है थोड़ा प्रैंक किया जाए पर उसका प्रैंक उस पर ही भारी पड़ जाता है और सूप उसके गर्दन पर गिर जाता है। वो साफ करने खोजती है पर गोजी रोकते हुए कहता है आंख बंद करो मैं साफ कर देता हूँ और इसी बहाने वो उसे किस भी कर लेता है। पर नीम देखती है उसने तो लव बर्ड का निशान ही कर दिया है। वो मार्क देख देख कर परेशानी हुए जा रही थी कि इसे छुपाए कैसे और इधर गोजी तो बस मजे लिए जा रहा था। वेल नेक्स्ट दिन वो दबे पांव अपना नेक छुपाते हुए घर पहुंचती है पर उसके मम्मी उसे आता हुआ देख लेती है। वो पूछती है ऐसे दबे पांव घर क्यों आ रही हो और तुम्हारे गर्दन को क्या हुआ है जरा देखने दो। नीम चिल्ला के उठती है नहीं। और ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।